नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता परमिंदर ढुल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। ढुल ने किसानों के 3 कृषि बिलों के खिलाफ इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में घुटन महसूस कर रहा हूं, इसीलिए पार्टी छोड़ रहा हूं। वहीं ढुल ने सभी पार्टियों में शामिल किसान पुत्रों को किसान के हित में आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टियों को छोड़कर आज किसान के साथ खड़े होने का वक्त है, अब आगामी लड़ाई किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। ढुल ने कहा कि आज मैं किसान के साथ खड़ा हूं, अभी कहीं जाने का फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चौथा कानून लाना चाहिए, जिसमें MSP का कानून शामिल होना चाहिए। बता दें कि ढुल ने जुलाना से बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने इनेलो छोड़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा कि आज दीन बंधु सर छोटू राम की आत्मा भी दुखी होगी, क्योंकि आज किसान पुत्र रो रहा है। बीजेपी में घुटन महसूस कर रहा हूं, इसलिए पार्टी को छोड़ रहा हूं। उन्होंने सभी पार्टियों में शामिल किसान पुत्रों को किसान के हित में आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को छोड़कर आज किसान के साथ खड़े होने का वक्त है, अब आगामी लड़ाई किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। और मैं अपने आप को किसान का बेटा होने के नाते मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के देशी होने का दावा करती थी, आज वो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं। और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए, जो आज तीनों कानून के द्वारा उजड़ने निश्चित है, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम हरियाणा के ऐसे किसानों के बेटे जो राजनीतिक जीवन में आज किसी भी पार्टी में हो, उनको आह्वान करता हूं कि आज किसान और देश कमेरे को बचाने के लिए अपने अपने हित त्याग करके एक सांझे मंच के अंदर आकर आज किसान विरोधी सरकार को चेताने का, उखाड़ फेंकने का और तीनों कानूनों को वापिस करने। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.